देने का प्रेशर भी है। शुरू करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, शायद वो कल जेल भरो तहरीक का आगाज उनसे होगा और कल अवेलेबल ना हो शाह महमूद कुरैशी साहब, इसलिए हम उन्हीं से आगाज कर लेते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी कल जा रहे हैं अंदर? शाह जी आप काशिफ आप हुक्म करें चला जाऊंगा। नहीं अभी फौज ने कहा ना कि आपका नंबर कौन सा है वैसे कल गिरफ्तारी देने वाले? मेरा नंबर तो यही है जिस पे आप बात कर रहे हैं, यही मेरा फोन है। और मैं अंदर जाने वाले नंबर की बात कर रहा था शाह जी, अंदर जाने वाले नंबर की गाल कर रहे हैं। नंबर वन सो यू आर द वन दैट विल लीड एवरीबडी एल्स इन इंशाल्लाह। सर शाह जी तरीकाकार क्या होता है वैसे इसमें, क्या करेंगे? देखिए काशिफ देखिए, हमने एक पुरअमन एहतजाज का एक तरीका बनाया है और हम ये आज खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं। अब इसमें सूरत हाल ये है कि हमने तोड़ फोड़ की सियासत नहीं करनी, हमने गिराव झलाव की सियासत नहीं की, हमने बहुत सोचा है। मुल्क पहले नाजुक सूरत हाल है, मईशत की बहुत नाजुक सूरत हाल है। अगर ये आइन शिकनी कर रही है और हमने कानूनी चाराजोई की है, सियासी चाराजोई की है और ये एक सियासी अमल है जिसका हम हिस्सा बन रहे हैं, तो लाहौर से आगाज होगा कल और फिर ये बढ़ेगी पेशावर और फिर रावलपिंडी, मुल्तान और शहरों में। सेक्शन 144 का निफाज कर दिया है। किस बुनियाद पर? एक तरफ सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी है और अगर हमने कैंपेन करनी है तो आपने गिरफ्तारियां करके सेक्शन 144 लगा के किस किस्म की आप एक सियासी फिजा पैदा कर रही हैं, और हमने कोई नुकसान पैदा नहीं किया और न करने का इरादा है। तो ये अगर अपने सियासी इंतकाम की आग बुझाना चाहते हैं तो बिस्मिल्ला। शाह जी कल अगर गिरफ्तार ना किया तो क्या करेंगे? देखिए ना किया तो एक सिलसिला है, आगाज है, हम नहीं करेंगे तो फिर और भी शहर हैं, जगह और पेश हो जाएंगे, फिर किसी और जगह पेश हो जाएंगे। ना किया तो मुल्तान है, मुल्तान हाजिर हो जाएंगे। लेकिन ना किया तो फिर तो कहीं से भी गिरफ्तार नहीं करेंगे ना, जेलों की जगह भी है और साथ में वो अब देखें हुकूमत इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करती है इस तहरीक को, उनका भी एक फैसला होगा कि वो आपको गिरफ्तार ना करें ताकि ये पॉलिटिकल स्पेक्टिकल्स ना बनने दें, जाहिर है उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी। देखिए अगर नहीं करते हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो अपनी जो आईन की पासदारी करें और अगर इलेक्शंस का जैसे कि सदर साहब ने फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि उनको कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं और 90 दिन में करवा सकते हैं, अगर उनका भी इशारा यही है और प्रेसिडेंट साहब भी कह चुके हैं और उनका खत भी है और इलेक्शन कमीशन ने पहले गवर्नर को जो खत लिखा था उस पर एक तारीख तयन भी किया था 9 अप्रैल का, उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर जेल भरो तहरीक हमें जरूरत नहीं होगी। हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम के सामने अपना मुकदमा रखेंगे और लोग फैसला करेंगे। शादी कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, कितनी गिरफ्तारियां देंगे कितने लोग? हमने काशिफ देखिए ये एक सिंबॉलिक टोकन चीज है, हम आगाज करेंगे जिसमें कुछ पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस होंगे और कुछ कारकुनान होंगे और फ्रॉम सिटी टू सिटी हम मूव करेंगे। कल हमारा जो प्लान है वो तकरीबन 200 कारकुन हैं जिनको हमने लिस्ट किया है और 5 जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, लीडर्स हैं, वो होंगे और एज पार्टी वाइस चेयरमैन मैं अपने आप को खुद पेश कर दूंगा। और एक आज ज़ाहिर ज़म हुई है काफली, क्या सदर बनाने जा रहे हैं परवेज इलाही साहब को? देखिए वो जम हुए हैं, हमें हम उनको वेलकम करते हैं, उनके आने से हमारी सफों में इजाफा होगा और इंशाल्लाह मिल के उनको भी फायदा है कि तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े होंगे। देखिए काफली के अब टिकट पर वो शायद उनको वो पजीराई ना मिलती जो आज तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर टिकट पर उनको पजीराई मिल सकती है। मैं सवाल कुछ और पूछा शाह जी, क्या वो आपके सदर होंगे कल? देखिए ये इमरान खान साहब की जवाबदीद है, इमरान खान साहब ने एक मशावरत का अमल है उसका आगाज किया है और उस पर जो वो फैसला करेंगे, पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्टी के मफाद में उनका एक अपना मकाम भी है, चौधरी परवेज साहब का अपना एक मकाम भी है, एक अपनी इज्जत भी है, सब कुछ है, तो जो फैसला करेंगे पार्टी उसको कबूल करेगी। वो आखिर में शाह जी वो एक पंजाब का सबसे बड़ा डाकू तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट होगा, देखिए ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए तस्वीर के दो रुख हैं, एक रुख जो आप दिखा रहे हैं। नहीं आपने दिखाया था शाह जी हमें, हमने नहीं दिखाया।
वजह मैं नहीं, मैं आपकी जात को मैं नहीं कह रहा, मैं आप कह रहा हूँ तस्वीर के दो रुख हैं और पार्टी को मैं समझता हूँ कि संजीदगी से दोनों रुखों को देखकर और एक फैसला करना है। ऑब्वियसली एक सियासी फैसला होगा, जो उनका एफर्ट है, जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई है असेंबली तहलील करने की, उनके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो पार्टी का एक अपनी वो जो पार्टी का बेस है उसकी तवक्कुआत है वो भी है। तो खान साहब इन सब चीजों को, इन सब ऑप्शंस को देखकर आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया शाहजी, शाह महमूद कुरैशी साहब, कल दोबारा बात करेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन ये जो सवाल आखिरी था उसका जवाब मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट होंगे या नहीं, शाहजी ने बड़े प्यार से हमें बताने की कोशिश की है कि वो सदर नहीं होंगे, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर सदर साहब, फिर चेयरमैन साहब इसका फैसला करेंगे।